रश्मा जी, एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी जो मोदी सरकार ने 10% सवर्ण लोगों को आरक्षण दिया है, तो ये कितना सार्थक हो पाएगा, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं। क्या सवर्ण समाज को आरक्षण मिल पाएगा, यहाँ तक कि अभी तो बहुजन समाज के लोगों को ही आरक्षण नहीं मिल पाया है। देखिए, इसके दो पहलू हैं। हाँ, सवर्ण समाज को क्या आरक्षण मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, उसके बारे में। इसके दो पहलू हैं, मैं पहले इसके राजनीतिक पहलू के बारे में बात करूंगा। माननीय कांशीराम साहब ने कहा कि हमें देने वाला समाज बनना है जी, हमें आरक्षण की भीख नहीं चाहिए, बल्कि हम आरक्षण देने वाला समाज बनना चाहेंगे। ये हमेशा से बहुजन समाज पार्टी की स्थापित मान्यता है जी, कि वो अपनी तरफ से ये कह रहे हैं कि हम शासक कर्ता जमात बनेंगे, हम शासन करेंगे और बाकी लोग जिनको कोई भी किसी तरह की समस्या है तो उस समस्या का समाधान करेंगे। उस परिस्थिति में अगर कोई गरीब ब्राह्मण है तो उसको क्यों ना जिम्मेदारी, उसको क्यों ना उसकी हिस्सेदारी दी जाए। अगर कोई, आप दिल्ली में चले जाइए, दिल्ली में आपको सैकड़ों इस तरह के रिक्शा पुलर मिल जाएंगे, इस तरह के मजदूर मिल जाएंगे जो तथाकथित उच्च जाति से आते थे, लेकिन लोकतंत्र का इस तरह का विस्तार हुआ है कि अब वहां पे उनको मजदूरी करनी पड़ रही है, कमजोर है, खाने के लाले पड़े हुए हैं। तो इस परिस्थिति में ये नहीं कहा जा सकता है कि भाई वो जाति के रूप में पहले कभी बहुत मजबूत हुआ करते थे, तथाकथित उच्च जाति के थे, स्वर्ण जाति के थे, और उनका भला नहीं होना चाहिए, उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स नहीं होनी चाहिए, उनके लिए भी स्कीम्स होनी चाहिए। और बहुजन समाज पार्टी शायद एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हमेशा से सैद्धांतिक रूप से ये बात कहती रही है कि सभी का होना चाहिए, सभी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, सभी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हम 85% की बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम 15% के हिस्से को खाने की बात करते हैं, उनको भी 15% बनना चाहिए। मेरे हिसाब से ये रिजर्वेशन 10% ना होकर 15% होना चाहिए और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी कर दी जाए। दूसरी बात, इसमें जो आप टेक्निकल कहना चाहते हैं कि भाई ये क्या हो पाएगा, अभी तो SC ST का ही नहीं मिल पाया, OBC का ही नहीं मिल पाया, ये सरकार की मंशा पर निर्भर करता है जी। सरकार की अगर मंशा है वो और इनको देना चाहती है तो दे सकती है, जैसे कि 24 घंटे के अंदर उन्होंने संविधान में संशोधन किया, नोटिफिकेशन लाया, और न्यायपालिका भी जो बाकी के SC ST के रिजर्वेशन के मामले रहते हैं उस पर तो बहुत जल्दी से उनके विरोध में निर्णय देती है, लेकिन 2 महीने के आसपास हो रहा है, 2-3 बार वहां पे सुनवाई हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसने उसमें स्टे नहीं लगाया है जो 10% रिजर्वेशन है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सरकार की मंशा उनको रिजर्वेशन देने की है तो वो दे के रहेंगे, इसका विरोध करने का मुझे कोई कारण नहीं नजर आता। ये कहना कि ये संविधान में नहीं है, ये थोड़ी सी गलत चीज है। क्यों? क्योंकि संविधान में अभी ये जो आया है ये 103वां संशोधन जी। इससे पहले 102 संशोधन हो चुके हैं, इसका मतलब तो ये कि उससे पहले जो 102 संशोधन हुए थे, जो पहला संविधान में संशोधन था वो भी रिजर्वेशन को लेके था जी। तो संविधान में संशोधन के द्वारा आप चीजों को चेंज कर सकते हैं। सही बात यह है कि अगर आपके पास सरकार है, आपका बहुमत है, तो आप अपनी पसंद से संविधान को बनाइए। कल आप अपनी सरकार बना लीजिए और प्राइवेट सेक्टर में आप रिजर्वेशन दे दीजिए, कौन आपको रोक रहा है? कल आप अपनी सरकार बनाइए और SC ST का रिजर्वेशन आज 49% है, उस 49% को 85% कर लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। क्योंकि आपको के पास अपनी बात को मनवाने का जरिया नहीं है, इसलिए आप कह रहे हैं कि उसे क्यों दे दिया, उसे क्यों दे दिया। उसको देने की बात नहीं है, हमें अपने लिए लेने की बात है। और जब आप एक राष्ट्रीय पार्टी चला रहे हैं, जब आप एक मजबूत आंदोलन चला रहे हैं, तो वहां पे आप किसी के हिस्से के लिए उसको मना नहीं कर सकते, उनको नहीं मिलना चाहिए। हाँ, ये आपकी लड़ाई हो सकती है कि मुझे मेरा हिस्सा मिलना चाहिए, मुझे मेरे हिस्से के लिए लड़ाई लड़ें। आप अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए दूसरे को बता रहे हैं कि भाई ये जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है, हमें अपने पैरों पर।